रूपक डे हमारे साथ मौजूद है एलकेपी सिक्योरिटी से, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं पहले मार्केट्स को लेके। तो रूपक, बाजार पर आपका व्यू, क्योंकि आज बड़ा दिन है, एग्जिट पोल के आउटकम आ सकते हैं शाम को, आएंगे शाम को, और उसके अलावा ओपेक प्लस की बैठक भी है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी, ओवरऑल देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर है। जैसे नीचे 2000 सॉरी 20,000 में पुट राइटिंग है, 20,100 में कॉल राइटिंग है। एक साइड में अगर ब्रेकआउट देखता है तो अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगा इंट्राडे में, बट ओवरऑल बात करें तो 19,850 का सपोर्ट में लॉन्ग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 20,500 तक निफ्टी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव, इवन बैंक निफ्टी में बैट एक्शन मैग्नेट मूव का एक फॉर्मेशन है, तो बैंक निफ्टी भी एक सॉलिड रैली दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। बट आज का दिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स है। कल हो सकता है अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगा। रूपक, निफ्टी बैंक को लेकर क्या टेक है आपका? क्योंकि निफ्टी बैंक आज सपोर्टिव है नहीं, ना आईटी ना निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, सेलेक्टिव स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या राय आपकी? जी हाँ, निफ्टी बैंक की बात करिए तो टेक्निकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, बैट एक्शन मैग्नेट बुक जिसको बोलते हैं। तो उस फॉर्मेशन के हिसाब से बैंक निफ्टी 45,850-46,000 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। डेफिनेटली आज का दिन थोड़ा बहुत प्रेशर है, बट ओवरऑल वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे मेरे ख्याल से अच्छी खासी रैली देखने को चाहिए। कोई इंडिविजुअल स्टॉक भी है क्या रूपक जिसपे आपकी नजर है? इंडिविजुअल स्टॉक जो रहेगा वो इसमें मोमेंटम दिख रहा है आज का दिन आटको में। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, अच्छी खासी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे अच्छी खासी तरह से, और मेरे ख्याल से 95 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 83। ओके, तो हुडको जिसके ऊपर आप नजर रखो, वैसे पूरा पीएसयू बास्केट आज तेजी में है, तो हुडको डे हाई के आसपास कामकाज भी कर रहा है, इस पर आप दाव लगा सकते हैं। आगे भी हम रूपक से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब एसएमई कॉर्नर में आज हम बात करें।